वेलकम आप सबको मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिप पे। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि मैं आपको एलईडी का, किसी भी यूनिवर्सल एलईडी का सॉफ्टवेयर का डंप बनाना सिखाऊंगा। आप उसका बैकअप कैसे बना सकते हैं RT809F प्रोग्रामर से VGA ISP प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, किसी भी एलईडी का बैकअप लेने के लिए आपके पास एक प्रोग्रामर होना चाहिए 809F4H और साथ लैपटॉप या कंप्यूटर, और उसमें 809F का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। ये मैंने इंटरफेस खोल लिया है और अब मैं प्रोग्रामर आपके सामने रख रहा हूँ। ये मेरे पास आज बोर्ड है V56.PB801। ये सैमसंग 40 इंच में लगा हुआ है, तो आज हम इसका बैकअप लेते हैं। सबसे पहले आपने बोर्ड को स्विच ऑन करना है, लेकिन वो स्टैंड बाई में ही हो, ये ध्यान रखें। ये स्टैंड बाई लाइट ऑन हो गई है, आप स्क्रीन पे जाते हैं। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, यहाँ पे आपने ऑटो ISP को सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो अगर आपका सब कुछ ठीक कनेक्ट है तो आपको सीरियल नंबर 6 पे शो कर देगा कि कौन सी लगी हुई है आपकी फ्लैश। यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन है, ओपन, रीड, राइट। आपने फ्रेंड्स इसमें रीड को क्लिक करने, रीड सबसे ऊपर है ये फ्रेंड्स, इसको क्लिक करने तो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी रीडिंग। सबसे लास्ट पे आपके उधर परसेंटेज शो होती है, ग्रीन बार इंक्रीज हो रही है, और इधर आप प्रोग्रामर की लाइट भी चेक कर सकते हैं, ये ब्लिंक कर रही है। तो ये 100% रीड होती है, उसके बाद ऑटो वेरीफाई होती है, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि इसको कौन सी लोकेशन पे सेव करना है। आप उसको रीनेम करें और अपने नेक्स्ट यूज़ के लिए रख लें। फ्रेंड्स, बैकअप का और डंप का होना ज़रूरी इसलिए है कि आपके पास कभी भी नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की LED आई है जिसमें ये बोर्ड इंस्टॉल है और उसमें कोई सॉफ्टवेयर का मसला है, हैंग हो रही है, ऑन ऑफ नहीं हो रही, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, कुछ इस तरह के इशू है, तो आप उसको ये सॉफ्टवेयर करके उसको सर्विसेबल कर सकते हैं। तो इसलिए बैकअप, आपके पास कोई भी LED आ जाए रिपेयरिंग की, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्रोग्रामर से उसका बैकअप ले लें। जैसे ही हमारी रीडिंग 100% होगी, उसके पास ये ऑटो वेरीफाई पे चला जाएगा। ये इसको ऑटो वेरीफाई कर रहा है कि जो डेटा इसने रीड की है वो ओके है या नहीं है। अब ये 100% होगा और उसके बाद ये अब सेव का ऑप्शन मांगेगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये खुद ब खुद आ जाता है सेव एज। यहाँ पे आप इसको रीनेम कर दें और जो आपका बोर्ड नंबर है या आप ये जिस LED में इंस्टॉल है उसकी स्क्रीन साइज भी साथ लिख लिए करें और रेजोल्यूशन भी उसको उस नेम से। मेरे पास ये सैमसंग में 40 इंच में इंस्टॉल था, मैंने सैमसंग 40 इंच साथ इसका बोर्ड नंबर लिख देता हूँ V56.PB801, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी ये मेरे पास इस स्क्रीन साइज का या इस बोर्ड का कोई मसला है तो मैं ये सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर लूँ, इसको कहीं भी डेस्कटॉप पे सेव कर लें, यहाँ पे सेलेक्ट करें और सेव करें। ये देखें दोस्तों, डेस्कटॉप पे ये मेरे पास बन गए, ये सेव होके आ गई। इसको आप जहाँ मर्जी आप सॉफ्टवेयर में सेव कर लें। ये देखें इसकी प्रॉपर्टीज, 4 MB का ये सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि किसी भी यूनिवर्सल LED का सॉफ्टवेयर डंप या बैकअप कैसे लेते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे ही रहिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा कि RT809F से सॉफ्टवेयर अपलोड कैसे करते हैं किसी भी LED बोर्ड में।
तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, गुड बाय।